व्यूअर्स कैसे हैं आप सब आज मैं आपको बताऊंगी कि शर्ट के दामन पर अक्सर जब हम उसको प्रेस करते हैं कटिंग करने के लिए तो उसमें थोड़ी सी रेब आती है बॉर्डर में लेकिन हर शर्ट पर ऐसा नहीं होता अगर किसी शर्ट पर ऐसे आ जाए रेब तो आपने उस बॉर्डर को ज़ाया होने से भी बचाना है और शर्ट को सीधा भी करना है तो यहाँ पर देखे मैंने प्रेस किया था तो तकरीबन तो तो डेढ़ से दो इंच जो है एक साइड पर कान है रेब है तो आपने करना है कि आपने बिल्कुल करीब से बॉर्डर की कटिंग करनी है तो यहाँ पर सिलाई का मार्जिन रखते हुए मैंने बॉर्डर की कटिंग कर ली है अगर शर्ट के दामन पर बॉर्डर नहीं है तो आप सिंपली शर्ट के रेब को कटिंग करके सीधा कर सकते हैं इस तरह से जैसे अब मैं यहाँ इसकी अरेब को कटिंग करूँगी लेकिन अगर बॉर्डर है तो आप सिलाई का मार्जिन रखते हुए बॉर्डर की कटिंग करके उसको अलग कर लीजिए उसके बाद इस तरह प्रेस करके दामन को सीधा करें या निशान लगा लें हाथ से तो यहाँ पर ये देखें मैंने इस तरह से इसको निशान लगा लिया अब ये जो अरेब कपड़ा है इसको हम कटिंग कर लेंगे अब जो दामन मैंने कटिंग किया था बॉर्डर वाला उसको इस तरह सिलाई लगा कर साथ अटैच कर लेंगे आप चाहें तो सीढ़ी लेस लगा कर भी इस डिज़ाइन को साथ अटैच कर सकते हैं सेम इसी तरह अगर बाजू का बॉर्डर भी रेब में है फ्रंट बैक का तो आप उसको इसी तरह से निकाल कर कटिंग करके लेस लगा कर डिज़ाइन बना कर भी लगा सकते हैं और सिंपली इस तरह सिलाई लगा कर भी साथ अटैच कर सकते हैं उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी